नमस्कार मित्रों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ का 21वां लेसन है, 21st वीडियो है, जिसमें मैं आपको 21वां हैंडआउट देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक के बारे में पूरी डीप डिस्कशन किया था हम लोगों ने, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उस टॉपिक के, वो सारे वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में या आज के इस लेसन में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा जीसी लॉन्ग लेक्चर सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें जो भी चीज़ें बची हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा ही लेक्चर सीरीज हमारा स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स लाइक UPPSC, MPPSC, BPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपका अपकमिंग IAS का एग्ज़ाम होने वाला UPSC का, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस पूरी लेक्चर सीरीज़ के जो भी PDF हैं वो हमारे पेड ग्रुप पर प्रोवाइड करा जाते हैं, तो वहाँ से जाकर के आप ये सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे दूसरे हाथ पे, तो यहाँ पर कुछ फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो नोटिफिकेशन के नीचे टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप्स के कुछ लिंक लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ आने वाले होते हैं, उनकी जो वीडियो नोटिफिकेशन होती है वो यहाँ पर इन चैनल्स पर अपलोड की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सो दिस लेसन इज़ प्रेजेंटेड बाय मायसेल्फ मृत्युंजय उपाध्याय। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। तो स्टार्ट करते हैं। द क्रस्ट इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग जियोलॉजिकल चेंजेस कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्सेस। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेसन्स में ही बात कर रखी, और सबसे फर्स्ट लेसन जो था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का, उसमें हम लोगों ने दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। एक था आपका इंडोजेनिक फोर्सेस और एक थे आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो जो क्रस्ट के सरफेस के भीतर, या हम कह सकते हैं जो क्रस्ट के अंदर जो फोर्सेस होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो उन्हें हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो सरफेस के ऊपर फोर्सेस वर्क करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये जो दो टाइप की फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस, इनके आपस में इंटरेक्शन के कारण डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्रस्ट के ऊपर लैंड फॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं। राइट, सो द एक्सटर्नल फोर्सेज आर वर्किंग विगरसली टू वियर अवे द सर्फेस, एंड द इंटरेक्शन ऑफ दीज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज गिव राइज टू द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द प्रेजेंट डे लैंड फॉर्म्स। तो एक यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट अपने मन में बना लो, जनरली जो एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर, जो एंडोजेनिक फोर्सेज हैं दे गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। मतलब मॉडलिंग जो होती है लैंड फॉर्म्स की, वो एंडोजेनिक फोर्सेज के कारण होती है। पर जो मॉडिफिकेशन होता है लैंड फॉर्म्स का, मतलब अगर ये आप सपोज दैट कि ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है और इसके ऊपर ये एक माउंटेन है, तो इस माउंटेन का जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण हुआ होगा, इंटरनल फोर्सेस के कारण हुआ होगा। लेकिन अब ये माउंटेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद, जो इसका वियरिंग और टेयरिंग होती है, मतलब जो इसका डिनुडेशन होता है, वो एक्सटर्नल फोर्सेज के कारण होता है या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेज के कारण होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं जो एंडोजेनिक फोर्सेज हैं दे रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दीज लैंड फॉर्म्स, एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेज लाइक द एजेंट्स ऑफ डिनुडेशन, रनिंग वाटर, रिवर, लेक, आइस, विंड्स, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ दीज लैंड फॉर्म्स। राइट, तो जो आप कह सकते हो जो मॉडलिंग मॉडिफिकेशन होता है इन लैंड फॉर्म्स में, प्लेटूज और माउंटेन्स में, तो वो किन के कारण होता है? वो एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होता है, और जो फॉर्मेशन होता है वो इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे द अर्थ कॉज अ ग्रेट लोअरिंग एंड लेवलिंग आउट सर्फेस, एंड इट इज़ नोन एज डिनुडेशन। तो मैंने आपको ये पहले बताया है कि अगर सपोज दैट कि ये एक माउंटेन रेंज है, और सम ड्यू टू सम एक्सोजेनिक फोर्सेज, या आप कह सकते हो वेदरिंग, वियरिंग अवे और वेयरिंग और टेयरिंग, और यू कैन से दैट द डिनुडेशन ऑफ दिस सर्फेस, इसके कारण ये जो माउंटेन है वो कहीं ना कहीं प्लेटूज में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल याद करो, मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था कि जो हमारा अपलेशियन माउंटेन है वो कैसा है, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब आप अपलेशियन की जब हाइट देखोगे, आप मैप में एटलस में इसको लोकेट करना है, अपलेशियन माउंटेन्स कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में आप वेस्ट में देखोगे तो वेस्ट में आपको मिलेंगे रॉकीज, ठीक है, और ईस्ट में देखोगे तो साउथ ईस्ट में आपको दिखेगा अपलेशियन। तो अगर रॉकीज की हाइट देखो तो बहुत ज़्यादा उनके पीक बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, लेकिन अगर आप अपलेशियंस को देखो तो उनकी हाइट बहुत कम है। अब क्या उनकी हाइट हमेशा कम थी? तो ऐसा नहीं था, उनकी हाइट हमेशा से कम नहीं थी, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल के दौरान उनका जो सरफेस था उस पर वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस बहुत तेज होती गई, और उनकी जो हाइट है वो लोअर होती गई और कम होती गई।
इसीलिए जो नॉर्थ अमेरिका के एप्लेशंस हैं उन्हें हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोलते हैं और जो हमारे रॉकीज हैं उन्हें यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे द अर्थ कॉजेज अ ग्रेट लोअरिंग एंड लेवलिंग आउट ऑफ सर्फेस एंड इट इज़ नोन एज डिनुडेशन। और जो डिनुडेशन का प्रोसेस है वो चार फेजेज में होता है, चार तरह से होता है। एक होता है आपका वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ वाला है हमारा डिपोजिशन। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं वेदरिंग क्या होता है। इट इज़ अ ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस। एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस के द्वारा जो रॉक्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन ग्रेजुअल प्रोसेस अगर है, ग्रेजुअली उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेदरिंग। तो वेदरिंग के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है फ्रेंड्स इरोजन। सो द एक्टिव वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सर्फेस बाय मूविंग एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इरोजन, जो एक्टिव वेयरिंग अवे होता है, जो आप कह सकते हो एक्टिव इरोजन। तो ये किनके कारण होता है? मूविंग एजेंट्स जितने हैं लाइक रनिंग वाटर और यू कैन से दैट रिवर्स, विंड, आइस एंड वेव्स। उसके साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रेंड्स, इट इज़ द रिमूवल ऑफ इरोडेड डेब्रिज टू द न्यू पोजिशन। तो हम जब ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो उसमें जो अपर कोर्स ऑफ रिवर है वहाँ से हम देखेंगे कि जो डेब्रिस होता है, रॉक डेब्रिस या जो एलुवियल फैंस होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हुए डिपॉजिट किया जाता है अपर कोर्स से लोअर कोर्स में, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस होता है, इसको भी हम आगे अभी देखेंगे। डिपोजिशन क्या होता है? द डंपिंग ऑफ डेब्रिस, वही जो ट्रांसपोर्टेड डेब्रिस है उसकी डंपिंग इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर इट मे एक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यू रॉक्स, राइट। सो ऑल द फोर फेजेस ऑफ डिनुडेशन प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट रेट्स, मच डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिलीफ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स एंड द लोकल क्लाइमेट एंड इंटरफेरेंस बाय द मैन। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने जो डिनुडेशन के चार फेजेस देखे, जिसमें वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन था, तो ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट रेट से होते हैं, डिपेंड करते हैं कि वहाँ का जो लैंडफॉर्म रिलीफ है वो कैसा है, या फिर जो क्लाइमेट है वो कैसी है, या लोगों का इंटरफेरेंस कहाँ पर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो एक एक करके आइए देख लेते हैं। वेदरिंग एंड इट इज़ नथिंग बट अ ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक इज ऑफ टू काइंड्स, नेमली द केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग, राइट। तो वेदरिंग दो तरीके की होती है, केमिकल या फिजिकल वेदरिंग, और फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल वेदरिंग। इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो एंड ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर। तो केमिकल वेदरिंग क्या होगी? ये बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक होता है इसमें, और ये किनके कारण होगा? एयर और वाटर के एक्शन के कारण। सो द केमिकल रिएक्शन इन द सर्फेस लेयर्स ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स में वीकन और इंटायरली डिजॉल्व सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रॉक। तो अगर केमिकल रिएक्शन होगा एयर और वाटर के संपर्क में आकर के जो रॉक है उनका, तो हम कह सकते हैं कि रॉक का कुछ पार्ट या हो सकता है मे बी एक पूरा पोर्शन रॉक का डिजॉल्व हो जाए इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो इस प्रोसेस को, जो ये वेयरिंग अवे हो रहा है रॉक का, उसे हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। नाउ व्हेन द सर्फेस ऑफ रॉक इज वेदर्ड, सम ऑफ द मटेरियल विच इज लूजेंड इज रिमूव्ड बाय इरोजिव एजेंट्स सच एज विंड और रनिंग वाटर, दस exposing a fresh surface to weathering, but much of the weathered material or regolith may stay in position forming the basis of the soil। मतलब जो weathering हो रही है हमारी, suppose that कि जो chemical weathering हुई किसी rock की, और इसका कुछ part wear away हो गया, worn away हो गया, जिसके कारण एक नया surface वेदरिंग के संपर्क में आ गया, राइट। तो एक जो ऊपर वाला लेयर है अगर वो पूरी तरीके से वेदर्ड हो जाएगा, तो अब एक नया सरफेस है जो कि वेदरिंग के एक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट आ जाएगा और अब उसकी वेदरिंग होगी। तो इस तरह से जो वेदरिंग की प्रोसेस है ये बहुत इंटेंस होती है, लेकिन बहुत ही लोअर्ड और आप कह सकते हैं बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, राइट। और मे बी कि ये जो हमारा रॉक है इसका एक पार्ट ही वेदर्ड हो और थोड़ा पार्ट इसमें बचा रहे, जो कि सॉइल फॉर्मेशन का बेसिस करेगा उस पर्टिकुलर लैंडस्केप के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से देर आर थ्री मेजर केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो तीन मेजर केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होती हैं जो आप कह सकते हो वेदरिंग। तो वेदरिंग क्लासिफाइड है टू पार्ट्स में, एक होता है आपका केमिकल वेदरिंग, एक होता है आपका फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग फर्दर तीन प्रोसेस में डिवाइड है, तो जिसमें से अभी हम एक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स सोल्यूशन को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं कि जब वाटर एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक वीक एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, राइट। अब ये कार्बोनिक एसिड जब किसी भी रॉक के सरफेस पे पड़ेगा तो उसे डिसइंटीग्रेट करेगा, हम कह सकते हैं उसकी वेदरिंग होगी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन इज मोस्ट पोटेंट वेदरिंग प्रोसेस इन लाइमस्टोन रीजन बिकॉज द रेन वाटर अटैक्स एंड डिजॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ विच रॉक इज चीफली फॉर्म्ड, लाइमस्टोन है तो सबसे ज़्यादा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और जो रेन वाटर है वो इसे डिजॉल्व करके
हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट इट इज कैरीड अवे बाय द वाटर थ्रू ज्वाइंट्स एंड क्रैक्स एंड हेंस दीज ज्वाइंट्स एंड क्रैक्स इन द रॉक्स आर क्विकली वाइडेंड एंड द होल सिस्टम ऑफ केव्स एंड पैसेजेस आर वॉर्न आउट राइट सो द रेट ऑफ वेदरिंग आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट फॉर एग्जाम्पल अगर हम वार्म वेट क्लाइमेट की बात करें सो इट प्रमोट्स रैपिड केमिकल वेदरिंग अगर हम ड्राई क्लाइमेट की बात करते हैं सो इट इनहिबिट केमिकल वेदरिंग ये रुकता है वार्म और वेट क्लाइमेट होगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसके कारण ये जो वेदरिंग का एक्शन है केमिकल वेदरिंग का एक्शन ये ज़्यादा होगा राइट लेकिन जो ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पर केमिकल वेदरिंग के बजाय फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग के लिए ये गुड कंडीशन प्रोवाइड करता है अगला प्रोसेस है फ्रेंड इसमें हमारा ऑक्सीडेशन जो वेदरिंग का प्रोसेस है तो देख लेते हैं ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर और वाटर विद द मिनरल्स इन द रॉक राइट तो ये बहुत सिंपल है उसके बाद आ जाता है हमारा डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड सो विद इन द सॉयल विच कवर्स मोस्ट रॉक आर बैक्टीरिया विच थ्राइव ऑन द डिकिंग प्लांट और एनिमल मटेरियल एंड दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड तो ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं विच वेन डिजॉल्व इन वाटर एंड हेल्प टू स्पीड अप द वेदरिंग ऑफ द अंडरलाइंग रॉक तो ये जो वाटर है जिसमें एसिड डिजॉल्व हो रहा है ये आपका रॉक का वेदरिंग करेगा राइट तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो अगला है टॉपिक वो है फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग सो मैकेनिकल वेदरिंग इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक बाय द एक्चुअल प्राइजिंग अपार्ट ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स तो मैकेनिकल वेदरिंग इज नथिंग बट हम कह सकते हैं कि रॉक्स डिसइंटीग्रेशन होता है ये ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर सो वी कैन से दैट मैकेनिकल वेदरिंग कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन सेवरल वेज तो इसमें पहला है आपका रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस जो टेम्परेचर चेंज होता है इन डिजर्ट रीजन बेसिकली डिजर्ट एरिया में हमें पता है कि दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के टाइम में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है जिसके कारण ये जो फ्रिक्वेंट चेंज है टेम्परेचर पैटर्न में तो रॉक्स जो होते हैं वहाँ के उनमें क्रैक्स और फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जिससे उनका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है और अगर पर्टिकुलर हम किसी रॉक की बात करें जैसे राउंडेड बाउल्डर्स की बात करें विन द देयर सरफेस लेयर्स ऑफ राउंडेड बाउल्डर्स ग्रेजुअली स्प्लिट ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड अनियन पीलिंग इसे क्यों कहते हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस लेयर्स लुक लाइक द लेयर्स ऑफ एन अनियन पील्ड ऑफ वन आफ्टर अनदर एंड द टेक्निकल टर्म फॉर दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एक्सफोलिएशन तो जो एक्सफोलिएशन का प्रोसेस होता है इट इज़ नथिंग बट अनियन पीलिंग जो रॉक्स होते हैं उनका लेयर बाय लेयर डिसइंटीग्रेशन होता है और चूंकि लेयर बाय लेयर होता है बिल्कुल अनियन के लेयर की तरह इसलिए इसे नाम दे दिया जाता है अनियन पीलिंग का और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन उसी तरह सिमिलर प्रोसेस है आपका रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग जैसे कि हमारा टेम्परेचर चेंज था डे और नाइट में उसी तरह अगर वेटिंग और ड्राइंग रिपीटेड हो रहा है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एक्सफोलिएशन एंड वी कैन ऑल्सो से दैट दिस टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द डिजर्ट एरियाज एंड वेरी सिमिलर स्ट्रेस मे बी सेटअप इन द रॉक्स बाय रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सर्फेस लेयर इन पर्टिकुलर ट्रॉपिकल रीजन्स राइट लाइक मलेशिया वेयर शॉर्ट डाउनपोर सैचुरेट्स द रॉक एंड द हॉट सन क्विकली ड्राई देम अगेन तो ये जो रिपीटेड वेटिंग और ड्राइंग हो रहा है इसके कारण भी ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है सर्फेस का स्टार्ट होता है उसके बाद आता है फ्रेंड्स फ्रॉस्ट एक्शन तो इट इज़ पर्टिकुलरली हैपेंस इन द ग्लेशिएटेड रीजन आप कह सकते हो प्लकिंग एक्शन ऑफ आइस एंड इट इज़ नथिंग बट इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स फ्रॉस्ट इज पोटेंट रॉक ब्रेकर राइट तो जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर जो आइस है तो आइस के प्लकिंग एक्शन के कारण जो फ्रॉस्ट एक्शन होता है इसके कारण भी रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है उसी तरह सिमिलरली बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं लाइक स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक लूजेंड बाय आइदर केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग लॉज इन क्रैक्स एंड सिविक्स और ये आप कह सकते हो इन क्रैक्स में जो प्लांट्स होते हैं वो स्प्राउट होते हैं जिसके कारण उनके रूट ग्रो करते हैं और पेनिट्रेट करते हुए रॉक को डिसइंटीग्रेट करते हैं सो दिस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन रॉक बिलो यूजली अलोंग द जॉइंट्स एंड अदर लाइंस ऑफ वीकनेसेस प्राइसिंग देम अपार्ट तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है इसमें हमारा वेदरिंग हम लोगों ने देख ली सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए अगला है इसमें मास मूवमेंट तो मास मूवमेंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल डाउन अ स्लोप और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट जो मास मूवमेंट होता है इसमें जो मेन कीवर्ड है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब स्लोप से किसी चीज़ का नीचे आना इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स राइट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर स्लोप से कोई भी चीज़ नीचे आ रही है तो उसे हम बोलेंगे मास मूवमेंट और ये क्या है जो नीचे आ रहे हैं इट इज़ नथिंग बट वेदर्ड मटेरियल जो ऊपर वेदरिंग का प्रोसेस हमने देखा था तो इससे जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है तो जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स होते हैं ठीक है या जो बाउल्डर्स होते हैं वो जब नीचे आते हैं स्लोप के थ्रू तो वो किस फोर्स के कारण आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मास मूवमेंट अब ये ग्रेजुअल भी हो सकती है और सडन प्रोसेस भी हो सकती है मतलब धीरे धीरे भी हो सकती है या फिर बहुत तेज़ी से हो सकती है बट इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेडियंट्स ऑफ द स्लोप जो स्लोप का एंगल होगा जो ग्रेडियंट होगा उस पर डिपेंड करेगा अगर स्लोप हमारा स्टीप है तो जो प्रोसेस होगी बहुत ज़्यादा
सडन होगी, अगर स्लोप हमारा जेंटल है तो हम बोलेंगे कि जो प्रोसेस होगा वो ग्रेजुअल होगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द वेदर्ड मटेरियल। अगर वेदर्ड मटेरियल बहुत भारी है तो जो हमारा मास मूवमेंट होगा वो बहुत सडन होगा, अगर बहुत वो कम है, बहुत कम वेट का है, तो जो मास मूवमेंट है वो बहुत स्लो होगा। एंड वन मोर थिंग कि अगर सपोज दैट कि जिस स्लोप पे जो हमारा मास मूवमेंट हो रहा है वो स्लोप अगर बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट है, मतलब अगर रेन वाटर है, रेन वाटर के लुब्रिकेटिंग एक्शन के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा वो जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्लीपी है, तो जो मास मूवमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, सडन प्रोसेस होगा। तो हम कह सकते हैं जो भी ये मूवमेंट्स के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, तीन फैक्टर हैं। पहला तो हो गया हमारा कि ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, दूसरा हो गया वेट ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, और तीसरा हो जाएगा लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर प्रोवाइडेड बाय द सप्लाइड बाय द रेन वाटर, राइट। सो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि पहला हमारा सॉइल क्रीप। अब सॉइल क्रीप क्या होता है, तो इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो जो मिट्टी है उसका रेंगना स्लोप के ऊपर धीरे धीरे, ग्रेजुअल बट मोर और लेस कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन हिल स्लोप्स। सो द सॉइल क्रीप इज मोस्ट कॉमन इन डैम सॉइल्स वेयर वाटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एंड सो दैट द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स मूव ओवर अदर। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है अगर वहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा जा रहा है, सप्लाई करा जा रहा है वाटर के द्वारा, रेन वाटर या आप कह सकते हो रिवर वाटर, तो जो हमारा सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे के ऊपर हम कह सकते हैं लुढ़कते हुए नीचे आते हैं, अंडरलेइंग रॉक्स पे आकर के इकट्ठा होते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉइल क्रीप। सो द सॉइल क्रीप इज मोस्ट कॉमन इन डैम सॉइल एंड वेयर द वाटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट सो दैट इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स मूव ओवर ईच अदर एंड ओवर द अंडरलेइंग रॉक। एंड द उसी तरह बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है हमारा सोली फ्लक्शन का, जिसे हम सॉइल फ्लो भी कहते हैं, व्हेन द सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर। मतलब यहाँ पर लुब्रिकेशन नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है वाटर के द्वारा, बल्कि जो वाटर है उसके ऊपर, या हम कह सकते हैं जो सॉइल पार्टिकल हैं वो ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है वाटर के ऊपर। सो व्हेन द सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर एंड द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट सस्पेंडेड इन वाटर एंड मूव ईजिली ओवर वन अनदर एंड ओवर द अंडरलाइंग रॉक। सो द सॉइल एक्ट्स लाइक अ लिक्विड एंड सॉइल फ्लो फॉर मड फ्लो अकर्स, राइट। Now in areas of peat soil, the peat absorbs much moisture. However, if the saturation point is reached, the peaty soil may flow down slope. And in Ireland, such flows are known as bog brush. तो ये एक important point है कि जो Ireland है उसमें इस तरह का जो mud flow या soil flow या soil flexion होता है उसे bog brush बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक important point है, इसको आप याद रखना कि bog brush ये Ireland में बोला जाता है soil flexion को। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा लैंडस्लाइड, विच इज़ नथिंग बट स्लंपिंग और स्लाइडिंग ऑफ द वेदर्ड मटेरियल डाउन द स्लोप। नाउ दीज आर वेरी रैपिड काइंड ऑफ मूवमेंट, प्लीज रिमेंबर, एंड अकर व्हेन लार्ज मास ऑफ सॉइल्स और रॉक्स फॉल सडनली, एंड दीज अकर्स कॉमनली इन, वी कैन से दैट हिली एरियाज आर माउंटेनियस रीजन्स लाइक उत्तराखंड, एंड द लैंडस्लाइड्स यूजली अकर्स ऑन द स्टीप स्लोप। तो क्योंकि अगर जेंटल स्लोप होगा तो जो मास मूवमेंट है, जो वेदर्ड मटेरियल का मास मूवमेंट होगा, वो बहुत ही ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा। बट अगर स्लोप हमारा स्टीप है तो लैंडस्लाइड अकर होता है, बिकॉज इट इज़ अ रैपिड एक्शन, रैपिड काइंड ऑफ मूवमेंट। सो वी कैन से दैट लैंडस्लाइड यूजुअली अकर्स ऑन द स्टीप स्लोप, सच एज इन माउंटेनियस एरियाज ऑन क्लिफ्स वेयर द मैन हैज़ आर्टिफिशियली स्टीपेंड स्लोप। तो माउंटेनियस एरियाज में भी हो सकता है, क्लिफ्स में भी हो सकता है, या फिर अगर कोई आर्टिफिशियली स्टीपेंड स्लोप बनाया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये हो सकता है। तो द लैंडस्लाइड मे बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ स्टीप स्लोप इज अंडरकट बाय द रिवर और सी सो दैट इट फॉल्स बाय द ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब मास मूवमेंट होता है स्टीप स्लोप पे तो हम बोलते हैं कि वो लैंडस्लाइड हो रहा है। अब ये लैंडस्लाइड और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक डिस्टर्बेंस, बिकॉज दे लूज इन द रॉक्स एंड स्टार्ट ऑफ अ लैंडस्लाइड। जो रॉक है उसको लूज कर देते हैं, जिसके कारण जो मास मूवमेंट है वो इजीली हो जाता है वहाँ से। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है इसमें हमारे पास ग्राउंड वाटर। सो द होल प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड, सी एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एज यू ऑल नो दैट। एंड अ कंसिडरेबल प्रपोर्शन ऑफ वाटर रिसीव्ड फ्रॉम द रेन और स्नो हाउएवर परकुलेट्स डाउनवर्ड इनटू द सॉइल एंड रॉक्स फिलिंग अप जॉइंट्स एंड पोर स्पेसेस एंड फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज नथिंग बट ग्राउंड वाटर। मतलब जो हमारा रेन होता है या आप कह सकते हो जो स्नो मेल्टिंग होती है, उसके कारण जो वाटर है वो हिली एरियाज से या माउंटेनियस रीजन से जब हमारे ग्राउंड पे आता है तो वहाँ से सॉइल्स उसको प्रोवाइड कराता है एक परकोलेशन मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण वो अंदर की तरफ परकोलेट हो जाता है डाउनवर्ड, ठीक है, सॉइल के अंदर। तो उस जॉइंट्स के या पोर्स के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं, और इस जो ये जो वाटर नीचे की तरफ जा रहा है अंडरग्राउंड, इस वाटर को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। नाउ द ग्राउंड वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग एंड मास मूवमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज मीन्स ऑफ नेचुरल वाटर स्टोरेज, एज वी ऑल नो दैट। Now the amount of groundwater, it is depend upon the climate,
लाइक अगर हम ड्राई क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है एंड मे बी क्विकली इवोपरेटेड. ड्राई क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पर जो इवोपरेशन होता है वो भी बहुत तेज़ी से होता है. तो हम कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर होगा वो बहुत कम मात्रा में परकुलेट होगा ग्राउंड के अंदर, राइट. तो फ्रेंड्स उसी तरह अगर हम ह्यूमिड कंडीशन की बात करें तो अगर कंडीशन ह्यूमिड है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा. मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण जो वाटर होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रन ऑफ होगा ग्राउंड में. तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर होगा वो बहुत ज़्यादा परकुलेट होगा. उसके बाद फ्रेंड्स अगर रॉक्स की बात करें तो कुछ रॉक्स भी डिपेंड करते हैं इस पे. जैसे कुछ रॉक्स पोरस होते हैं, कुछ रॉक परमिएबल और परवियस होते हैं. पोरस रॉक्स कौन से होते हैं? दोज रॉक्स लाइक सैंड स्टोन विच हैज़ मैनी स्पेसेस बिटवीन द ग्रेन्स. मतलब वाटर इज ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय सच रॉक्स एंड मे बी स्टोर्ड इन द स्पेसेस, राइट. लेकिन जो परमिएबल और परवियस रॉक्स होते हैं दे आर दोज विच अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम ईजिली. जो वाटर को ईजिली पैसेज देते हैं पास कर, या आप कह सकते हैं जिनके वाटर के लिए जो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट नेचर का काम करते हैं, राइट. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रॉक हमारा पोरस है वो परमिएबल भी होगा. कुछ रॉक्स होते हैं जो पोरस होते हैं और परमिएबल दोनों होते हैं, बट कुछ रॉक ऐसे भी होते हैं जो पोरस होते हैं बट इम्परमिएबल इन नेचर होते हैं. तो ऐसे परमिएबल रॉक जिसमें हम कह सकते हैं वाटर स्टोर हो सकता है उसे क्या बोलते हैं? एक्वीफायर बोलते हैं. एंड द सर्फेस ऑफ द सैचुरेटेड एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल, राइट. तो फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने जो जो जितने टॉपिक पढ़े हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज के लेक्चर का. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डिनुडेशन क्या होता है और डिनुडेशन के जो एजेंट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की. तो डिनुडेशन कितने तरह का होता है वो हम लोगों ने देखा. तो इसमें हम लोगों ने चार प्रोसेस डिस्कस किए जिसमें आपका एक था वेदरिंग, एक था आपका इरोजन, फिर आपका आया ट्रांसपोर्टेशन और फिर आ गया आपका डिपोजिशन, राइट. तो डिनुडेशन के चार प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. उसके बाद वेदरिंग को फर्दर हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ा. एक था आपका केमिकल वेदरिंग और एक था आपका फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग में हम लोगों ने पढ़ा तीन तरह को की केमिकल वेदरिंग होती है. एक आपका होता है सोल्यूशन, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन, एक हम लोगों ने पढ़ा डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड, डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड, राइट. तो ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपके दिमाग में फ्लो चार्ट है तो आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ. तो आप इस तरह से इसको शॉर्ट वे में याद रख सकते हो कि सबसे पहले वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन. उसके बाद वेदरिंग में फर्दर दो पार्ट थे, एक आपका था केमिकल वेदरिंग और एक था आपका फिजिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग में आपने तीन चीज़ें पढ़ी, सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड. उसी तरह फिजिकल वेदरिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा रिपीटेड टेम्परेचर चेंज, ठीक. लाइक इन डिजर्ट एरियाज़ के दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात के टाइम में बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, तो रिपीटेड टेम्परेचर चेंज हम लोगों ने इसमें पढ़ा. उसी तरह रिपीटेड वेटिंग और ड्राइंग एरियाज़, तो जो रिपीटेड वेटिंग और ड्राइंग होता है मेनली इन ट्रॉपिकल रीजन, तो ये भी हम लोगों ने देखा. ड्राइंग एंड वेटिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा. उसके बाद इसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉस्ट एक्शन, राइट. और जो आखिरी वाला देखा था वो था हमारा बायोटिक फैक्टर्स, जो बैक्टीरियाज वगैरह रॉक का डिसइंटीग्रेशन कर रहे थे. फ्रॉस्ट एक्शन मेनली जो हमारा ग्लेशिएटेड रीजन था, जो प्लकिंग ऑफ आइस होता है उसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी. उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा मास मूवमेंट के बारे में कि मास मूवमेंट क्या होता है, मेनली ड्यू टू द और इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी. जो वेदर्ड मटेरियल है, ये जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ से जो वेदर्ड मटेरियल आया वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब किसी भी स्लोप से नीचे आता है तो उसे हम बोलते हैं मास मूवमेंट. तो मास मूवमेंट ग्रेजुअल भी हो सकते हैं, सडन भी हो सकते हैं. ग्रेजुअल कब होंगे? जब जो हमारा स्लोप है वो जेंटल होगा. लाइक अगर ऐसा स्लोप है, जेंटल स्लोप है, तो जो वेदर्ड मटेरियल है वो धीरे धीरे नीचे आएगा. अगर हमारा ऐसा स्लोप है तो स्टीप स्लोप आएगा, जिसके कारण जो वेदर्ड मटेरियल है बहुत तेज़ी से नीचे आएगा. तो जो मूवमेंट है वो मैंने बताया तीन चीज़ पे डिपेंड करता है. एक तो आपका हो गया ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, दूसरा आपका हो गया वेट ऑफ द वेदर्ड मटेरियल. जो ये वेदर्ड मटेरियल है जो नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इसका वेट ज़्यादा है तो ये सडन आप कह सकते हो मास मूवमेंट होगा, अगर कम है तो यहाँ पर जो मास मूवमेंट होगा वो ग्रेजुअल होगा. उसी तरह जो तीसरा मैंने इसमें फैक्टर आपको बताया था, वो आपको बताया कि ये जो सरफेस है स्लोप का, अगर यहाँ पर कोई लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा जा रहा है रेन वाटर के द्वारा, तो जो प्रोसेस होगा वो सडन होगा, राइट. उसके बाद जो मास मूवमेंट है इसको भी हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया तीन पार्ट में. एक हम लोगों ने देखा सॉयल क्रीप,
सॉयल क्रीप में हम लोगों ने देखा था कि जो सॉयल है वो बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, लेकिन कंटिन्यूस होती है, मोर और लेस कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर जो सॉयल है वो लगातार स्लोप से नीचे की तरफ आता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉयल क्रीपिंग। उसके बाद इसमें जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका सोलिफ्लक्शन या सॉयल फ्लो। तो सोलिफ्लक्शन या सॉयल फ्लो का मतलब होता है कि जो लुब्रिकेशन एक्शन होता है वाटर के द्वारा वो स्लोप के ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके कारण जो सॉयल के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल करते हुए नीचे आते हैं, राइट। तो ये भी मोर और लेस कंटिन्यूस प्रोसेस था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लैंडस्लाइड, जो कि एक सडन मूवमेंट था। अब लैंडस्लाइड में मेनली इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशन, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो वेदर्ड मास है वो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड, एंड इट इज़ कॉमनली अकर्स इन द हिली एरियाज और माउंटेनियस रीजन। तो जो हिल स्लोप होता है वहाँ से जो वेदर्ड मटेरियल बहुत तेज़ी से नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में हम लोगों ने देखा कि एरिड एरियाज में ग्राउंड वाटर कैसा होता है या ग्राउंड वाटर परकोलेशन कैसा होता है। तो एरिड एरियाज में मॉइस्चर बहुत कम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण जो वाटर परकोलेट होता है अंडरग्राउंड वो बहुत कम मात्रा में होता है। उसी तरह अगर ह्यूमिड एरियाज को देखें तो ह्यूमिड एरियाज में मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण जो वाटर का परकोलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह हम लोगों ने एक्वीफर के बारे में डिस्कस किया कि एक्वीफर किन्हें कहते हैं या फिर वाटर टेबल क्या होता है, ठीक है। तो वाटर टेबल के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली कि वाटर टेबल किसे कहते हैं। तो इतने फ्रेंड्स, इतने कॉन्सेप्ट हम लोग आज इस लेसन में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा स्प्रिंग एंड वेल्स। तो देख लेते हैं, द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन द रॉक्स इज रिलीज्ड ऑन टू द सर्फेस एट अ पॉइंट वेयर द वाटर टेबल रीचेज द सर्फेस, राइट। तो जो भी ग्राउंड वाटर हमारा रॉक के अंदर स्टोर हो रहा है, हम कह सकते हैं कि ये सरफेस के ऊपर रिलीज़ किया जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस पॉइंट पे जब वाटर टेबल हमारा सरफेस पे पहुंच जाता है। तो जब वाटर यहाँ से बाहर निकलता है तो उस फिनोमेना को या इस पर्टिकुलर लैंडस्केप को हम बोलेंगे स्प्रिंग। सो द स्प्रिंग इज सिंपली एन आउटलेट फॉर सच वाटर एंड स्प्रिंग आर ऑफ द सेवरल काइंड्स। और इनके प्रकार होते हैं, तो इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। कि जो पहला टाइप है, अगर हम बात करें टिल्टेड स्ट्राटा का, वेयर द परमिएबल एंड इम्परमिएबल रॉक अल्टरनेट वाटर इमर्जेस एट द बेस ऑफ द परमिएबल लेयर। तो अगर एक फिगर से इसे हम समझें, आप सपोज करो कि ये एक हमारा टिल्टेड स्ट्राटा है, ठीक है, और इसमें हम तीन डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं। एक हमारे पास ये लेयर है और एक हमारे पास ये लेयर है, ठीक है, और एक और हम लोग बना देते हैं, एक हमारे पास ये लेयर है। तो मतलब हमारे पास तीन लेयर हैं। जो हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर है इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको दिखाते हैं हम लोग, ये हमारा इम्परमिएबल लेयर, और सपोज दैट कि ये हमारा परमिएबल लेयर है और यहाँ पर फिर एक इम्परमिएबल लेयर आ गया। तो जो इम्परमिएबल और परमिएबल लेयर्स हैं वो ऑल्टरनेट हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा है। और सपोज दैट कि यहाँ पर अगर कोई वाटर स्टोर है जो इस परमिएबल रॉक के थ्रू बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग, और ये एक टिल्टेड स्ट्राटा पे ये फिनोमेना हो रहा है, राइट। सो इन द एरियाज ऑफ टिल्टेड स्ट्राटा वी आर द परमिएबल एंड इम्परमिएबल रॉक्स अल्टरनेट वाटर इमर्जेस एट द बेस ऑफ द परमिएबल लेयर। तो दूसरा इसमें प्रकार आता है फ्रेंड्स, इन वेल जॉइंटेड रॉक्स वाटर में परकोलेट डाउनवर्ड्स अंटिल इट रीचेज द जॉइंट विच इमर्जेज एट द सर्फेस। द वाटर में कम टू द सर्फेस थ्रू द जॉइंट। तो अगर दो रॉक्स हैं जो कि जॉइंटेड आपस में, तो जो वाटर है अगर वो जॉइंट के थ्रू बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ इमर्ज हो रहा है सर्फेस पे, तो उसे भी हम स्प्रिंग बोलेंगे। एंड द वाटर में कम टू द सर्फेस थ्रू द जॉइंट, उस जॉइंट के थ्रू जो वाटर बाहर निकलेगा तो वहाँ पर भी एक स्प्रिंग डेवलप होगा। इसमें तीसरा टाइप है फ्रेंड्स कि वेयर द डाइक और सिल्स ऑफ परमिएबल रॉक इज इंट्रूडेड थ्रू परमिएबल रॉक इट कॉजेज द वाटर टेबल टू रीच द सर्फेस एंड द वाटर इश्यू एज अ स्प्रिंग, राइट। अब जो सिल या डाइक हम लोगों ने पढ़ा था, सिल्स क्या होते हैं, ये आपका हॉरिजेंटल इंट्रूजन होता है, सिल्स जब वॉल्केनो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था, और जो डाइक्स जो थे वो आपके वर्टिकल इंट्रूजन थे। तो अगर ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल इंट्रूजन है, अगर ये परमिएबल रॉक के थ्रू बाहर आते हैं, तो इनसे जो वाटर बाहर आएगा, या अगर आप सपोज करो ये परमिएबल रॉक के थ्रू वाटर टेबल तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से जो वाटर स्प्रिंग के रूप में बाहर आएगा, तो उसे भी हम बोल सकते हैं कि वो भी एक हमारा स्प्रिंग का टाइप है, राइट। इन लाइमस्टोन और चाक स्कार्पमेंट वेयर द परमिएबल रॉक लाइक
lies between the impermeable strata. Water issues at the foot of the scarp as the scarp foot spring, or near the foot of a dip slope as a dip loop spring. तो अगर हम limestone या chalk escarpment की बात करें, जहाँ पर जो permeable rock होता है वो sandwich बना होता है दो impermeable strata के बीच में, तो पहला figure जो था वैसा ही कुछ अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारा permeable है और ये sandwich बना हुआ है दो impermeable strata layers के बीच में. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर स्कार्प फुट पे, अगर स्कार्प के फुट पे अगर वाटर इशू होता है या वाटर बाहर निकलता है स्प्रिंग के फॉर्म में, तो उसे हम बोलेंगे स्कार्प फुट स्प्रिंग. और अगर डिप स्लोप के फुट पे अगर यही चीज़ बाहर निकलती है स्प्रिंग के फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं डिप स्लोप स्प्रिंग. राइट, तो यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखना. कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि स्कार्प फुट स्प्रिंग या डिप स्लोप स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, या ये बेसिकली किस रीजन में पाए जाते हैं. तो आप एक नाम याद रखना, लाइमस्टोन या चाक स्कार्पमेंट. राइट, उसी तरह अगर कास्ट रीजन की बात करें फ्रेंड्स, तो इन द कास्ट रीजन रिवर्स ऑफन डिसअपियर अंडरग्राउंड. तो रिवर्स डिसअपियर हो जाते हैं, देन दे फ्लो थ्रू पैसेज वर्न इन द रॉक्स बाय द सॉल्यूशन एंड मे बी री इमर्जेस व्हेन द लाइमस्टोन गिव प्लेस टू द सम इम्परमेबल रॉक्स. तो इस काइंड का जो इमर्जेंस होता है स्प्रिंग का, उसे वल्कुशन या इंसर्जेंस बोला जाता है. राइट, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है इसमें वेल्स. तो हम कह सकते हैं जो स्प्रिंग होते हैं वो नेचुरल इमरजेंस पॉइंट होते हैं ग्राउंड वाटर के. अगर यही इमरजेंस मैन मेड हो, मतलब इफ़ दिस इमरजेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द ह्यूमन एक्शन, तो हम बोलेंगे कि वो वेल्स कहलाएंगे. सो द स्प्रिंग्स आर द नेचुरल इमरजेंस पॉइंट ऑफ ग्राउंड वाटर, बट मैन कैन मेक यूज ऑफ स्टोर्ड वाटर बिलो ग्राउंड वाटर बाय सिंकिंग वेल्स. राइट, ड्रिलिंग और सिंकिंग के द्वारा वेल्स जनरेट किए जाते हैं. सो अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेल इज एन आर्टिजियन वेल. आर्टिजियन वेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच ओइंग टू द नेचर ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज अ क्वाइट डिस्टिंक्टिव. राइट, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है. अपने आगे आने वाले लेसन्स में हम लोग ड्रेनेज रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो एरिड सेमी एरिड रीजन्स में लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो ग्लेशिएटेड रीजन्स हैं वहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. दोस्तों ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का 22nd लेसन है. ये 22वां हैंड आउट है और इसमें हम लोग आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं ज्योमोफोलॉजी सेक्शन के, आप कह सकते हो जो जीसी लॉन्ग बुक है, इस पूरे लेक्चर के माध्यम से आज उसको हम लोग कंसोलिडेट कर देंगे. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. तो फ्रेंड्स डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए दो कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं. तो अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ के साथ जुड़ जाइए. ये पूरी लेक्चर सीरीज़ जो है इसके सारे PDF जो है हमारे पेड जो पेड ग्रुप है उस पर अपलोड किया जाता है, वहाँ से इसलिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. फ्रेंड्स हमारे जो पेड कोर्स है वो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स लाइक UPSC MPPSC या BPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो हमारा अपकमिंग IAS का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ फ्रेंड्स दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल्स एंड वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल्स के कुछ लिंक्स लिखे हुए हैं. तो अगर आपने अभी तक ये ग्रुप या चैनल्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप इन्हें जाकर के ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल पे, उनके जो भी वीडियो नोटिफिकेशन होते हैं वो इन्हीं टेलीग्राम ग्रुप्स या चैनल्स पे इनका जो वीडियो नोटिफिकेशन होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है. ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स मेड बाय द रनिंग वाटर, उसके बाद आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, तो फ्रेंड्स सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिवर सिस्टम. तो इसमें पहले हम लोग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. द सोर्स ऑफ रिवर मे बी अ स्प्रिंग, लेक और मार्श. जो रिवर का सोर्स होता है वो स्प्रिंग भी हो सकता है, लेक या मार्श कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ जनरली इन एन अपलैंड रीजन वेयर प्रेसिपिटेशन इज हैवीएस्ट एंड वेयर देर इज अ स्लोप डाउन विच द रन ऑफ कैन फ्लो. एक स्लोप होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है ऊपर, आप कह सकते हो हिल्स के टॉप पे, और वहाँ पे जो वाटर एक्यूमुलेट होता है इन स्लोप्स के माध्यम से रन ऑफ होता है, नीचे की तरफ फ्लो होता है. सो द अपलैंड देयरफॉर फॉर्म द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर. तो हम कह सकते हैं कि जो अपलैंड होते हैं ये रिवर का कैचमेंट एरिया बनाते हैं. नाउ द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन्स इज डिवाइड और वाटर शेड फ्रॉम विच स्ट्रीम्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑन बोथ साइड्स टू बिगिन देयर जर्नी टू द ओशियन. तो यहाँ से आप कह सकते हो एक वाटर शेड के माध्यम से या वाटर डिवाइड के माध्यम से जो वाटर होता है वो ओशन तक अपना जर्नी तय करता है. सो द इनिशियल स्ट्रीम दैट एग्जिस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस
ऑफ द स्लोप इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, जो इनिशियल स्ट्रीम होती है जो आप कह सकते हो स्लोप से बिल्कुल कॉन्सिक्वेंट होती है, उसे हम कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। एंड एज दिस कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम वियर्स डाउन द सर्फेस बाय डीपनिंग इट्स चैनल डाउनवर्ड, इट इज द ज्वाइंट बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज आइदर ऑब्लिकली और राइट एंगल डिपेंडिंग अपॉन द अलाइनमेंट और द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक। और जैसे जैसे ये वहाँ से नीचे आती है स्ट्रीम माउंटेन स्लोप से, वैसे वैसे आप कह लो पहले ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के रूप में नीचे आती है, उसके बाद बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों के द्वारा ये ज्वाइन की जाती है। अब ये जो ज्वाइनिंग होती है ये आपकी ऑब्लिकली भी हो सकती है या फिर राइट एंगल पे भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि जो अलाइनमेंट है या जो रॉक का रजिस्टेंस है वहाँ पर डाउन द स्लोप कैसा है, राइट। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग इसको पहले फिगर से समझ लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट्स को पढ़ लेंगे बाद में। तो बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होते हैं फ्रेंड्स, वो आप कह सकते हो कि दे फॉलो द स्लोप, जो स्लोप को फॉलो करके आगे बढ़ेगा वो होगा हमारा कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। और इसी से एसोसिएटेड कुछ और स्ट्रीम्स हैं, आप कह सकते हो टोटल 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स हैं जिसमें आपका आ जाता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। एक होता है आपका रीसिक्वेंट स्ट्रीम, एक होता है आपका ऑबसिक्वेंट स्ट्रीम, और एक होता है आपका इनसिक्वेंट स्ट्रीम, राइट, या फिर सबसिक्वेंट स्ट्रीम भी एक होता है। तो ये सारे टाइप्स हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। तो सपोज दैट ये आपकी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है जो कि स्लोप को फॉलो करके आगे बढ़ रही है, तो फ्रेंड्स इसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं। अब जो हमारी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है या जो मेन स्ट्रीम है, इससे जब कोई भी ट्रिब्यूटरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आकर के मिलती है, मतलब राइट एंगल में आकर के मिलती है, तो उस स्ट्रीम को हम बोलते हैं सबसिक्वेंट स्ट्रीम, राइट। तो सबसिक्वेंट स्ट्रीम कौन सी होती है हमारी, वो स्ट्रीम जो कि मेन स्ट्रीम से या फिर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम से राइट एंगल पर आकर के मिलती है, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो दूसरी स्ट्रीम होती है वो होती है रीसिक्वेंट स्ट्रीम। तो रीसिक्वेंट स्ट्रीम कौन सी होती है, रीसिक्वेंट स्ट्रीम ऐसी स्ट्रीम होती है जो सबसिक्वेंट स्ट्रीम से आकर के मिलती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। ये हमारी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, इससे पैरेलल डायरेक्शन में जो स्ट्रीम आकर के मिलेगी रिवर स्ट्रीम, उसे हम बोलेंगे रीसिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। उसी तरह अगर ऑबसिक्वेंट स्ट्रीम की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑबसिक्वेंट स्ट्रीम जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है मेन स्ट्रीम के, उसे हम बोलते हैं ऑबसिक्वेंट स्ट्रीम। और जो लास्ट वाला हमारे पास क्लासिफिकेशन वो है हमारा इनसिक्वेंट स्ट्रीम। तो इनसिक्वेंट स्ट्रीम वो स्ट्रीम्स होते हैं जिनका कोई भी डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास इन सभी का डिफाइंड पैटर्न है, अगर हम सबसिक्वेंट की बात करें तो ये राइट एंगल पे आकर के मिल रही है मेन स्ट्रीम से, रीसिक्वेंट की बात करें तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो हमारी उसके पैरेलल ये सबसिक्वेंट स्ट्रीम से आकर के मिलती हैं। उसी तरह अगर सबसिक्वेंट स्ट्रीम से कोई स्ट्रीम निकल रही है जो कि आपकी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे ऑबसिक्वेंट स्ट्रीम। तो इस तरह का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है इनसिक्वेंट स्ट्रीम्स का, राइट। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें, तो जो हमारा अगला पॉइंट है, जैसे हमने देख लिया द इनिशियल स्ट्रीम दैट एग्जिस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्लोप इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, एंड एज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम वियर्स डाउन द सर्फेस बाय डीपनिंग इट्स चैनल डाउनवर्ड, इट इज जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज आइदर ऑब्लिकली और एट राइट एंगल डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट एंड द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक। इफ द रॉक्स आर कंपोज ऑफ होमोजीनियस बेड्स ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस टू इरोजन, द ट्रिब्यूटरीज विल जॉइन द मेन वैली ऑब्लिकली और इनसिक्वेंट स्ट्रीम। The drainage pattern so evolved will be tree-like in appearance and therefore described as dendritic drainage. तो ऐसे drainage को हम कह सकते हैं dendritic drainage, और dendritic नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो pattern है, इसका जो structure है, बिल्कुल tree-like structure बनता है। On the other hand, if the rocks are made up of alternate layers of hard and soft rocks, the tributaries tend to follow a pattern of rock structure, right? And if the outcrops of the rocks occur at right angle to the main valley, the tributaries will join it at the right angle as a subsequent stream, as I told you earlier. And the drainage pattern so developed will be rectangular in shape and called a trellised drainage. तो अगर हम देखें यहाँ पर, जब इनसिक्वेंट स्ट्रीम बन रही थी जो, तो जो ड्रेनेज पैटर्न था वो हमारा डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बन रहा था, लेकिन जब सभी स्ट्रीम्स सबसिक्वेंट स्ट्रीम ज्वाइन कर रहे हैं ट्रिब्यूटरी सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स के फॉर्म में मेन स्ट्रीम से, तो जो ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है वो हमारा ट्रेलिस्ड ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है, राइट। तो आइए फिगर में इसको देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। जैसे कि अगर आप ये देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका डेंड्रेटिक ड्रेनेज होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो बीच वाली स्ट्रीम है ये हमारी मेन स्ट्रीम है, और यहाँ से ट्रिब्यूटरीज इससे आकर के मिल रही हैं। उसी तरह अगर हम ट्रेलिस ड्रेनेज को देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक्स हैं आप देखोगे अल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, तो इस कारण से इस टाइप का हमें ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपका कहलाता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। उसी तरह रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, और ये हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में फ्रेंड्स कुछ सेंट्रल ऑफ लैंड होता है,
सेंट्रल अपलैंड होता है जो कि एक सेंट्रल अपलिफ्ट के फॉर्म में होता है, और वहाँ से जो रिवर आप कह सकते हो स्ट्रीम्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में या ऑल डायरेक्शंस में चारों तरफ निकलती हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आप फिगर से आसानी से देख के समझ सकते हो, बहुत ईजी सा टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन। तो अब रिवर एक्शन को अगर देखें, व्हेन द रिवर फ्लोज इट कैरी विद इट इरोडेड मटेरियल्स, तो ये बातें हम लोग पिछले लेक्चर्स में करते चले आ रहे हैं कि जब रिवर फ्लो होती है डाउन द स्लोप तो वो इरोडेड मटेरियल या जो वेदर्ड मटेरियल उसको अपने साथ कैरी करते हुए आगे बढ़ती है, और लास्ट में एक प्लेन उसको जब मिलता है वहाँ पे वो डिपोजिशन का काम करती है। सो दिस कंप्रेस्ड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रिवर लोड। अब ये जो लोड्स कैरी कर रही है, इरोडेड मटेरियल जो कैरी कर रही है, कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीन तरह के होते हैं, मटेरियल्स इन सॉल्यूशन, दैट मीन्स मटेरियल डिजॉल्व्ड इन द वाटर, राइट। कुछ मटेरियल हैं जो कि सोल्यूशन में होते हैं या आप कह सकते हो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं वाटर के अंदर, या फिर मटेरियल्स इन सस्पेंशन लाइक सैंड सिल्ट एंड मड, द ट्रैक्शन लोड विच इज नथिंग बट कोर्सर मटेरियल सच एज पेबल्स स्टोन रॉक्स एंड बोल्डर्स, जो कि थोड़े बड़े आकार के होते हैं सैंड सिल्ट और क्ले मड के कंपेरिजन में, राइट। तो ये तीन तरह के आप कह सकते हो इरोडेड मटेरियल्स होते हैं जो रिवर अपने साथ नीचे लाती हैं स्लोप पे। नाउ रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम बात करें कोरेशन एंड एब्रेशन की, वॉट इज द कोरेशन, वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द एब्रेशन, सो दिस इज द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ रिवर्स ट्रैक्शन लोड अगेंस्ट द बैंक्स एंड द बेड ऑफ द रिवर, राइट। तो मैकेनिकल जो ग्राइंडिंग होती है, जो रिवर का जो ट्रैक्शन लोड है वो जो बैंक्स और आप कह सकते हो जो रिवर का बेड है उसको जो आप कह लो इरोड करता है, ये मैकेनिकल ग्राइंडिंग होती है रिवर में इरोडेड मटेरियल्स के कारण, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं कोरेशन या एब्रेशन। दिस इज आर टू टाइप। अगर हम बात करें कोरेशन की तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका लैटरल कोरेशन, तो इसमें बेसिकली साइडवेज इरोजन होता है या आप कह सकते हो एज इरोजन होता है, और जो वी शेप्ड वैली होती है वो वाइड होती है, दैट मींस इट वाइडेंस द वी शेप्ड वैली इंस्टेड ऑफ डीपेंस। नाउ अगर वर्टिकल कोरेशन की बात करें तो वर्टिकल कोरेशन बेसिकली डाउनवर्ड एक्शन होता है जिसके कारण जो वी शेप्ड वैली है या जो रिवर चैनल है वो डीप होगा, राइट। अब कोरेशन या एब्रेशन हम लोगों ने देख लिया कि इट इज़ अ मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ रिवर ट्रैक्शन लोड अगेंस्ट द बैंक्स एंड बेड ऑफ द रिवर। और अब अगला रिवर एक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है कोरोशन या सॉल्यूशन। तो पहले हम लोगों ने कोरेशन पढ़ा था, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोरेशन विच हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर, एंड इट इज़ नथिंग बट अ केमिकल और सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल और पार्टली सॉल्युबल रॉक्स विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द रिवर वाटर, राइट। And finally, hydraulic action is nothing but a mechanical loosening and a sweeping away of materials by river water itself. और finally, हमें मिल जाता है attrition. This is a wear and tear of transported materials themselves when they roll and collide into one another. मतलब जो आप कह सकते हो transported materials हैं जो eroded या weathered material हैं वो आपस में जब टकरा करके collide होकर के या घिस करके उनका wear and tear होता है, मतलब अगर वो erode हो जाते हैं, weathered हो जाते हैं, तो इस type से जो हम कह सकते हैं जो वेयरिंग एंड टेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एट्रिशन, ठीक है। तो ये जो आप कह सकते हो रिवर इरोजन के डिफरेंट हम लोगों ने मेथड देखे, तो इसका यूज़ आगे अभी बहुत सारा होगा, तो ये आप जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो जो रिवर है वो तीन कोर्स में मेनली डिवाइड होता है, एक होता है उसका अपर कोर्स, एक होता है मिडिल कोर्स, और जो तीसरा कोर्स होता है वो होता है लोअर कोर्स, ठीक है, जिसमें डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो देख लेते हैं कोर्स ऑफ द रिवर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट। पहला होता है अपर और माउंटेन कोर्स, एंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं, दिस बिगिन एट द सोर्स ऑफ द रिवर नियर वाटरशेड एंड दे आर वेरी स्विफ्ट, वर्टिकल कोरोशन होता है यहाँ पर एंड वी शेप्ड वैली फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपर कोर्स में ये वाटर डिवाइड के बीच से होते हुए आ रही है, वर्टिकल कोरोशन यहाँ पर होगा। आप याद रखना कि लैटरल कोरोशन यहाँ पर नहीं होता, वर्टिकल कोरोशन होता है और वी शेप्ड वैली फॉर्मेशन होता है। नाउ समटाइम्स गॉर्जेज में फॉर्म व्हेन वैली इज नैरो एंड सम फीचर्स डेवलप्ड इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। सम मोर फीचर्स की अगर बात करें तो रिवर कैप्चर का फिनोमेना होता है, जिसको आप रिवर पायरेसी या रिवर बिहेडिंग भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक जो मेन स्ट्रीम होती है जो आप कह सकते हो ज़्यादा स्लोपिंग स्ट्रीम होती है वो दूसरे स्ट्रीम को कैप्चर कर लेती है, इसलिए हम उसे रिवर पायरेसी या रिवर बिहेडिंग भी कहते हैं। नाउ रैपिड कॉन्टैक्ट्स एंड वाटरफॉल्स फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अपर कोर्स ऑफ द रिवर्स के, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतने पॉइंट्स सफिशियंट और इंपॉर्टेंट है आपको जो पता होनी चाहिए कि अपर कोर्स जो होता है या माउंटेनियस कोर्स जो होता है रिवर का उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहला कि ये सोर्स से निकलकर वाटरशेड के थ्रू आगे वाटर डिवाइड से आगे निकलती है एज अ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, बहुत स्विफ्ट होती है, वर्टिकल कोरोजन होता है, वी शेप्ड वैली फॉर्मेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और
जो रिवर कैप्चर, रैपिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाटरफॉल्स, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मिडिल और वैली कोर्स की बात करें तो यहाँ पर वर्टिकल कोरोशन होता है इंस्टेड ऑफ, सॉरी लेटरल कोरोशन होता है इंस्टेड ऑफ वर्टिकल कोरोशन। अगर अपर कोर्स की बात करें तो वहाँ पर वर्टिकल कोरोशन हो रहा था। वर्टिकल कोरोशन से हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रिवर बेड होता है वो डिपेंस होता जाता है, लेकिन अगर लेटरल कोरोशन की बात करें तो ये फीचर है मिडिल कोर्स का या वैली कोर्स का। तो इसमें जो वी शेप्ड वैली है वो डिपेंस नहीं होती है, ये वाइड होती है ड्यू टू द लैटरल कोरोशन और एज इरोजन। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं रिवर से। तो जो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली यहाँ पर इसका जो मेन फीचर होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का विथ सम टाइम डिपोजिशन एंड इंटरलॉकिंग स्पर्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द वैली एंड सम फीचर्स डेवलप्ड इन द मिडिल कोर्स। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स जो होते हैं वो आपके मिडिल कोर्स के फीचर्स हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर वो आपका मीएंडरिंग का। अब मीएंडर्स क्या होते हैं, दे आर वाइडनिंग कोर्स स्विंग इन लूप्स, ठीक है। तो जो आप देखोगे जो नदियों को जो जनरली हम लोग फिगर नदियों का बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। तो ये जो रिवर का मूवमेंट होता है इसे हम कहते हैं मीएंडरिंग मूवमेंट, ठीक है। तो अब इसमें जो मीएंडर्स होते हैं या जो मीएंडरिंग मूवमेंट होता है इसके थ्रू रिवर क्लिफ का भी फॉर्म्स होता है और स्लिप ऑफ स्लोप भी बनते हैं। रिवर क्लिफ बनेंगे कब बनेंगे और स्लिप ऑफ स्लोप्स कब बनेंगे, तो आप जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि सपोज करो कि ये हमारी रिवर है, ठीक है, इसमें ऐसे मेंडरिंग हो रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है। तो अगर रिवर इस डायरेक्शन में आएगी तो यहाँ से जो सेडिमेंट्स होंगे वो ये सेडिमेंट्स कहाँ पर एक्यूमुलेट करेगी, वो यहाँ पर डिपॉजिट करेगी साइड में, ठीक है। तो इससे ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण हम इसे बोलते हैं रिवर क्लिफ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा हमारा स्लिप ऑफ स्लोप्स, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स, रिवर क्लिफ, स्लिप ऑफ स्लोप्स, मीएंडर्स, ये सारे जो लेटरल कोरोशन, ये हमारे जो फीचर्स हैं ये आपके होते हैं मिडिल कोर्स या वैली कोर्स के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मीएंडर्स बन रही हैं और यहाँ पर आप देखोगे मीएंडर्स और ये लेवीज हैं जो कि डिपोजिशन के कारण बनती हैं। और ये आपका जो एक पर्टिकुलर चीज़ दिख रही है ये आपकी है ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं कि आप सपोज़ करो कि ये जो मीएंडरिंग हो रही है ये होते होते यहाँ पर जो मीएंडरिंग का जब फिनोमेना होता है वो बढ़ने लगता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये जो मीएंडर्स हैं वो कट जाती हैं मेन रिवर से, ठीक है, और कट किए कुछ ऐसे दिखती हैं, तो जिनको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, राइट। फाइनली जो हमारे पास लास्ट कोर्स है इसका वो है आपका लोअर कोर्स और प्लेन कोर्स। तो इसमें मेनली जो प्रोसेस होता है वो होता है डिपोजिशन का, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोगों ने देखें तो वहाँ पर इरोजन, जो अपर कोर्स की बात करें तो अपर कोर्स में मेनली क्या हो रहा था, इरोजन हो रहा था। मिडिल कोर्स की बात करें तो यहाँ पर मेनली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था विथ सम काइंड ऑफ डिपोजिशन। और जो लोअर कोर्स है उसका जो मेन फीचर है वो है डिपोजिशन का, ठीक है। नाउ द लेवल प्लेन विद द डेब्रिस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द अपर कोर्स, तो जो प्लेन लेवल प्लेन डेवलप किए जाते हैं, जो डेब्रिस हैं अपर कोर्स से, जो डेब्रिस या वेदर्ड मटेरियल है वो नीचे जो रिवर फ्लो ले अपने साथ लेके आ रही है वो डिपॉजिट कहाँ पर करती है, वो नीचे लोअर कोर्स में करती है, जिसके कारण एक प्लेन डेवलप होता है जिसे हम फ्लड प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक फ्लड प्लेन भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर हम बात करें मीएंडर्स तो दे आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मिडिल कोर्स। उसी तरह अगर इंटरलॉकिंग स्पर्स की बात करें तो ये भी मिडिल कोर्स के फीचर्स हैं। उसी की तरह अगर हम ऑक्सबो लेक बोलें तो ये भी आपका मिडिल कोर्स होगा, लेकिन फ्लड प्लेन्स जो हैं फ्रेंड्स ये आपके प्लेन कोर्स या लोअर कोर्स के मेन फीचर्स हैं, जहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है और जो कोरोजन हो रहा है वो लेटरल हो रहा है। तो आप याद रखना प्लीज़ कि जो अपर कोर्स है यहाँ पर जो कोरोजन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल कोरोजन होता है, लेकिन अगर हम बात करें लोअर कोर्स या मिडिल कोर्स की तो वहाँ पर जो कोरोजन होगा वो लेटरल कोरोजन होगा, ठीक है। एंड स्प्लिट ऑफ रिवर इनटू सेवरल चैनल्स हेंस फॉर्मिंग ब्रेडेड स्ट्रीम्स एंड सम फीचर्स ऑफ दिस कोर्स इज फ्लड प्लेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। लेवीज, और लेवीज क्या होती हैं, इट इज नथिंग बट रेज्ड बैंक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑन द साइड्स ऑफ द और एजेस ऑफ द रिवर बैंक, राइट। नाउ ऑक्सबो लेक्स आर ऑल्सो सम अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पार्ट, कट ऑफ और इसको बेउट्स भी आप कह सकते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन होता है, डेल्टा फॉर्मेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर जो डिपोजिशन होगा वो एलुवियल फैंस का होगा, ठीक है। तो एलुवियन जो एलुवियम वो ऊपर से बहा करके ला रही है रिवर, ठीक है, अपर कोर्स से, वो फाइनली एलुवियल फैंस के रूप में कहाँ पर डिपॉजिट करती है, लोअर कोर्स में, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे कि अगर आप देखो महानदी गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी नदियों का अगर बेसिन आप देखो या फिर आप उनका मेन डेल्टा देखो तो ये कुछ ऐसा है कि जो रिवर है वो पहले ऐसे आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम्स ज्वाइन करते हैं और फाइनली जहाँ पर ये डेल्टा बनाती है तो कैसे बनाती है ऐसे। तो आप देखोगे कि एक मेन स्ट्रीम में अगर बहुत सारी स्ट्रीम आकर के मिल रही हैं तो उन्हें बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, लेकिन अगर एक मेन स्ट्रीम से बहुत सारी स्ट्रीम्स बाहर की तरफ निकले तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जहाँ पर डेल्टा बनता है बेसिकली, या आप कह सकते हो जहाँ पर डेंड्रिटिक पैटर्न बनता है, वहाँ पर ये हमें स्ट्रीम या डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, राइट। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का अगर डेल्टा देखो,
उसी तरह फ्रेंड्स अगर यहाँ पर जैसे आप देखो ये एक डेल्टा है और डेल्टा में आप देखो ये मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बाहर की तरफ निकल के ओशन में मिल रही हैं, राइट। तो ये आपके कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो फ्रेंड्स अगला इसमें टॉपिक है हमारे पास लैंड फॉर्म्स मेड अप ऑफ ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन के कारण जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आप कह सकते हो डेफिनेशन है जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें, जब ये डाउन स्लोप मूवमेंट इनका होता है, द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर फ्रॉम इट्स स्नो कवर्ड वैली हेड एंड इंटेंसिव शैटरिंग ऑफ द अपलैंड स्लोप्स टेंड्स टू प्रोड्यूस अ डिप्रेशन वेयर द फर्न और नेवी एक्यूमुलेट and the process of plucking operates on the back wall steepening it and the movement of ice abrades the floor deepening the depression into a steep horseshoe shaped basin is called creek and it is also known as quarry in Scotland and CWM in Wales। मतलब अगर जो glaciers हैं, अगर वो डाउन स्लोप मूवमेंट हो रहे हैं, जहाँ पर स्नो कवर्ड वैली है वहाँ से अगर डाउन स्लोप मूवमेंट होगा तो आप कह सकते हो इंटेंसिव शैटरिंग के कारण, राइट, जो अपलैंड स्लोप्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शैटरिंग प्रोड्यूस होती है जिसके कारण वहाँ पर डिप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कैसे होता है, क्योंकि जब हमें पता है कि आइस कहीं से वापस आती है, बहुत दिन तक अगर कहीं पर आइस जमी हुई है और वहाँ से जब आइस का मूवमेंट नीचे होगा विद दीज ग्लेशियर्स, तो वो प्लकिंग एक्शन डालेंगे, ठीक है। और प्लकिंग एक्शन के कारण क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो स्लोप मास है या मटेरियल है स्लोप का, वो भी अपने साथ वो नीचे की तरफ ले आती हैं, ठीक है, जिसके कारण वो नीचे आकर के जो डिप्रेशन है उसे और डीप करती हैं और जो साइड होता है इस तरह से बहुत स्टीप होता है और एक हॉर्स शो शेप्ड बेसिन बनता है और ये जो हॉर्स शो शेप्ड बेसिन होता है इसे ही हम बोलते हैं क्रीक। अब ये जो क्रीक है इसे स्कॉटलैंड में कोरी बोला जाता है और जो वेल्स है आपका ब्रिटेन में वहाँ पर इसे CWM बोला जाता है, ठीक है। नाउ व्हेन द आइस मेल्ट्स वाटर कलेक्ट्स बिहाइंड दिस बैरियर टू फॉर्म कोरी लेक्स और टर्न। अगर ये जो आपके कोरीज डेवलप हुए हैं हॉर्सशू लाइक और इसमें अगर आइस का जो आइस है वो मेल्ट होकर के वाटर के फॉर्म में इसमें फिल आप कह सकते हो भर जाता है तो उसे हम बोलते हैं कोरी लेक या टर्न, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि आपको बस इतना याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कि जो हॉर्सशू शेप्ड बेसिन बनता है डिप्रेशन क्रिएट होता है ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर्स एंड द प्लकिंग एक्शन ऑफ आइस, उसे हम बोलते हैं कोरी, जिसे आप स्कॉटलैंड में बोलते हैं कोरी और क्रीक बोला जाता है मेनली उसे, और वेल्स में ब्रिटेन के वेल्स में उसे बोला जाता है CWM, ठीक है। और जब उस कोरी में पानी भर जाता है या आप कह सकते हो जब इन क्रीक्स में पानी वाटर से फिल हो जाती हैं आइस के मेल्टिंग के कारण, तो इसे हम कोरी लेक या टर्न बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास जो अगला लैंड फॉर्म है ड्यू टू द ग्लेशियल लैंडस्केप, आप कह सकते हो ड्यू टू द ग्लेशियल एक्शन, वो है आपका एरिड्स या पिरामिडल पीक्स। सो व्हेन द टू कोरीज कट बैक ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द माउंटेन नाइफ एजेस रिजेस आर कॉल्ड एरिड्स। और अगर हम बात करें व्हेन थ्री और मोर क्रीट्स और कोरीज कट बैक्स टुगेदर देयर अल्टीमेट रिसेशन विल फॉर्म एन एंगुलर हॉर्न और पिरामिडल। तो फ्रेंड्स अगर इस फिगर में हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो हॉर्सशू स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है ये हमारा कहलाता है क्रीक, और अगर इसमें वाटर फिल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रीक लेक या कोरी लेक। उसी तरह अगर एक माउंटेन के दो अपोजिट साइड में आप देख रहे हैं ये एक साइड है और ये एक साइड है, यहाँ पर अगर दो क्रीक डेवलप होते हैं तो यहाँ पर मेनली ये जो आपका एक उभरा हुआ आपको रीजन दिख रहा है अपलैंड रीजन उसको बोलते हैं रिड्स। और अगर ये दो तीन चार के आप कह सकते हो क्रीक डेवलप हो जाए माउंटेन्स के चारों तरफ तो एक पिरामिडल पीक डेवलप होगा इस तरीके का, उसे हम बोलेंगे पिरामिडल पीक। तो फ्रेंड्स अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है बर्गश्रुंड। और बर्गश्रुंड क्या होता है कि जब सपोज दैट कि किसी कोरी या फिर कोरी वैली है जहाँ पर आप कह सकते हो स्नोफील्ड डेवलप है कोरी का, वहाँ से जब कोई ग्लेशियर आगे की तरफ बढ़ता है और अगर वहाँ पर एक डीप वर्टिकल क्रैक ओपन हो जाता है तो उस डीप वर्टिकल क्रैक को बोला जाता है बर्गश्रुंड, ठीक है। सो एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर वेयर इट बिगन्स टू लीव द स्नो फील्ड ऑफ कोरी अ डीप वर्टिकल क्रैक ओपन्स अप एंड कॉल्ड द बर्गश्रुंड। तो फ्रेंड्स इसमें जो अपलैंड ग्लेशियशन के और फीचर्स हैं उसमें आपका इंक्लूड होता है व्यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ, उसके बाद आता है आपका हैंगिंग वैली एंड फिर हम लोग देखेंगे रॉक बेसिन एंड रॉक स्टेप्स। तो जल्दी से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसमें जो जितना भी ये सब लिखा हुआ है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ होता है जब ग्लेशियर धीरे धीरे डाउनवर्ड जर्नी करता है नीचे की तरफ आता है स्लोप से, तो हम कह सकते हैं जिस तरह से रिवर नीचे आता है तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज उसे ज्वाइन करती हैं, उसी तरह जब ग्लेशियर या ग्लेशियर नीचे की तरफ मूव करता है तो बहुत सारी कोरीज जो अभी हम लोगों ने आप देखा है वो इससे ज्वाइन होती हैं और धीरे आते आते नीचे आते आते हम कह सकते हैं जो बेडरॉक होता है उसको ये ग्रिंड करती हैं और जो स्पर्स होते हैं उन्हें ये स्ट्रेंथन करती हैं, जिसके कारण एक करेक्टरिस्टिक यू शेप ले लेती हैं नीचे आते आते, और ये यू शेप कभी कभी पानी से फिल हो जाता है।
तो उसे हम पर्टिकुलरली बोलते हैं रिबन लेक्स, जिनको कभी कभी ट्रफ लेक या फिंगर लिप्स लेक्स के भी नाम से जाना जाता है। उसी तरह अगर हैंगिंग वैली की बात करें फ्रेंड्स, तो जो मेन ग्लेशियर नीचे आ रहा है, इससे जो आप कह सकते हो जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर ज्वाइन हो रहा है, उसमें जो आप कह सकते हो आइस होगा वो कम मात्रा में होगा, जो मेन ग्लेशियर है उसमें ज़्यादा मात्रा में होगा। तो कभी कभी ये जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर होता है, ये मेन ग्लेशियर के ऊपर हैंग करने लगता है, लटकने लगता है, इसलिए इसको हम लोग हैंगिंग वैली के नाम से भी जानते हैं, राइट। उसी तरह अगर रॉक बेसिन या रॉक स्टेप्स की बात करें, तो जब ग्लेशियर नीचे आ जाता है और जो बेडरॉक होता है, या आप कह सकते हो जो बेडरॉक में ग्लेशियर आगे की तरफ बढ़ता है, तो इरोड करते हुए उसे आगे बढ़ता है और डिफरेंट स्टेप्स के फॉर्म में इरोड करता है, ठीक है, जिसमें कभी जब पानी भर जाता है तो हम कहते हैं कि वो एक बेसिन जनरेट कर देता है। उस इरोजन से जो आप कह सकते हो बेसिन जनरेट हुआ, उसमें जो पानी भर गया ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्लेशियर इरोड्स एंड एक्सकवेट द बेडरॉक इन इररेगुलर मैनर। कोई रेगुलर पैटर्न इसका नहीं होता, इररेगुलर वे में वो इरोजन का प्रोसेस यहाँ पर पूरा होता है। एंड द अनइक्वल एक्सकवेशन गिव्स राइज टू मैनी रॉक बेसिंस लेटर फिल्ड बाई लेक्स इन द वैली ट्रफ एंड वेयर ट्रिब्यूटरी वैली ज्वाइंस द मेन वैली, द एडिशनल वेट ऑफ आइस इन द मेन वैली कट्स डीपर इन टू द वैली फ्लोर एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्मिंग अ रॉक स्टेप्स, राइट। अब ये जो मोरेन्स है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दे आर मेड अप ऑफ द पीसेज ऑफ रॉक दैट आर शैटर्ड बाय द फ्रॉस्ट एक्शन, ओके, एंड एम्बेडेड इन द ग्लेशियर एंड ब्रॉट डाउन द वैली। नाउ दोज दैट फॉल ऑन द साइड्स ऑफ द ग्लेशियर मेनली स्क्रीज फ्रॉम द लेटरल मोरेन्स, एंड वेन द टू ग्लेशियर कन्वर्ज देयर इन साइड लेटरल मोरेन्स यूनाइट टू फॉर्म अ मीडियल मोरेन। ये तीन तरीके के होते हैं, एक होता है आपका लेटरल, एक होता है मीडियल और एक होता है आपका ग्राउंड मोरेन। तो ग्राउंड मोरेन क्या होता है, वेन द रॉक फ्रेगमेंट्स विच आर ड्रैग्ड अलॉन्ग द बीनीथ द फ्रोजन आइस आर ड्रॉप्ड वेन द ग्लेशियर मेल्ट्स एंड स्प्रेड अक्रॉस द फ्लोर ऑफ द वैली, जब वैली के फ्लोर पर फैल जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है ग्राउंड मोरेन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अपलैंड लैंडफॉर्म्स थे, अब यह आप कह हम कह सकते हैं जो ग्लेशिएशन अपलैंड्स में जो लैंडफॉर्म बन रहे थे, उन लोगों ने देख ली। अब अगर लो लैंड्स की बात करें, तो वहाँ पर भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म बनते हैं, और ये मेनली किसके कारण बनेंगे, ये मेनली बनेंगे डिपोजिशन के कारण। जो ऊपर वाले लैंडफॉर्म्स बन रहे थे वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण, जो डिनुडेशन हो रहा था, इरोजन हो रहा था सर्फेस में, उसके कारण जनरेट हो रहे थे। अब यहाँ पर मेनली जो प्रोसेस होगा वो होगा डिपोजिशन का, राइट। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा रोची माउंटेन, एंड दिस इज़ अ रेजिस्टेंट रेजिडुअल रॉक हमक एंड विच इज़ नथिंग बट अ सरफेस दैट इज स्प्लिटेड बाय आइस मूवमेंट। इट्स अप स्ट्रीम साइड इज स्मूथेंड बाय एब्रेशन, अगर डाउन स्ट्रीम साइड की बात करें तो इट इज़ रफेंड बाय द प्लकिंग, ओके। उसी तरह क्रैग एंड टेल होते हैं, क्रैग इज द मास ऑफ हार्ड रॉक विद अ प्रेसिपिटस स्लोप ऑन द अपस्ट्रीम साइड विच प्रोटेक्ट्स द सॉफ्टर लीवर्ड स्लोप फ्रॉम बींग कम्प्लीटली वॉन डाउन बाय ऑन द कमिंग इनकमिंग आइस, राइट। एंड इफ therefore इट therefore हैज़ अ जेंटल टेल स्ट्रेन विद द इरोडेड रॉक डेब्रिस। तो अब बेसिकली आप कह सकते हैं जो क्रैग होता है ये आपका अपस्ट्रीम साइड पे बनता है, जो कि आपके लीवर्ड साइड को प्रोटेक्ट करता है, लीवर्ड साइड का जो स्लोप है उसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो ऑनकमिंग आइस है वो प्लकिंग एक्शन के द्वारा उसे आप कह सकते हो इरोड ना कर दे। हम कह सकते हैं कि जो टेल होता है इट हैज़ जेंटल टेल स्ट्रेन विद द इरोडेड रॉक डेब्रिस। उसके बाद फ्रेंड्स, बाउल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल होता है, एंड दिस इज एन अनसॉर्टेड ग्लेशियल डिपॉजिट कंप्राइजिंग अ रेंज ऑफ इरोडेड मटेरियल्स। इसमें बाउल्डर्स, एंगुलर स्टोन, स्टिकी क्लेज, फाइन रॉक फ्लोर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इरेटिक्स क्या होता है, दीज आर बाउल्डर्स ऑफ वेरिंग साइजेस, बाउल्डर्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के, एंड दैट वर ट्रांसपोर्टेड बाय द आइस, दे कम विद एडवांसिंग ग्लेशियर्स और आइस शीट्स, बट वेन आइस मेल्टेड दे वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड इन द रीजन्स ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। तो सपोज जो बाउल्डर्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के बाउल्डर्स हैं, जो कि आइस के अंदर पैक्ड हैं, आइस के अंदर आप कैसे कह लो बंद है, जब नीचे आते हैं आइस मेल्ट होता है तो ये आप कह लो बैरन ऐसे यहाँ पर पड़े रहते हैं, जिसके कारण एक रीजन ऑफ डिपोजिशन ये डेवलप करते हैं। उसी तरह तो ड्रमलिंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, स्वॉम्स ऑफ ओवल इलोंगेटेड वेल बैक हमॉक्स, एंड दीज कंपोज होली ऑफ बाउल्डर क्ले, प्लीज रिमेंबर विद देयर इलोंगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो। आइस फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में इलोंगेटेड होते हैं, डेट इज ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। नाउ एस्कर्स आर लॉन्ग नैरो साइनस रिजेस कंपोज ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल विच मार्क द फॉर्मर साइट ऑफ सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स। टर्मिनल मोरेन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, दे आर मेड अप ऑफ कोर्स डेब्रिस डिपॉजिटेड एट द एज ऑफ आइस शीट टू फॉर्म हमोकी एंड हिली कंट्री, एंड फाइनली आउटवॉश प्लेन क्या होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आउटवॉश प्लेन में बेसिकली क्या मिलते हैं, ये किनसे बने होते हैं, फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट से बने होते हैं, वेन दे वॉश्ड आउट फ्रॉम द टर्मिनल मोरेन्स बाय द स्ट्रीम्स एंड चैनल्स ऑफ द स्टैग्नेंट आइस मास।
तो फ्रेंड्स अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है एरिड और डिजर्ट लैंडफॉर्म। एरिड और डिजर्ट लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन एक्शन होता है वो होता है विंड और वाटर का इन डिजर्ट्स अपलैंड व्हेन दे ट्रांसपोर्टिंग एंड वर्न ऑफ मटेरियल्स एंड डिपॉजिटिंग देम एल्सवेयर हैज़ गिवन राइज टू 5 डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ डिजर्ट लैंडस्केप, जिसमें आप देख सकते हो हमादा और रॉकी डिजर्ट। तो हमादा या रॉकी डिजर्ट्स क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ बेयर रॉक्स सैंड एंड डस्ट बाय विंड। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये किनसे हमादा या रॉकी डिजर्ट्स किनसे मिलकर के बने होते हैं, दे आर द लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ बेयर रॉक सैंड एंड डस्ट। नाउ द एक्सपोज रॉक्स आर थॉरली स्मूथेंड एंड पॉलिश्ड एंड द रीजन इज बेयर एंड स्टेराइल, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स अगर रेग या स्टोनी डिजर्ट्स की बात करें, दे कंपोज ऑफ एक्सटेंसिव सीट्स ऑफ एंगुलर पेबल्स एंड ग्रेवल्स विच द विंड आर नॉट एबल टू ब्लो ऑफ। अर्ग या सैंडी डिजर्ट्स की बात करें तो दे आर सी ऑफ सैंड्स विंड्स डिपॉजिटेड वास्ट स्ट्रेच ऑफ अंडुलेटिंग सैंड्स ड्यून्स इन द हार्ट्स ऑफ द आइलैंड। और जो लास्ट हमारा इसमें करेक्टरिस्टिक है वो है आपका बैडलैंड्स या माउंटेन डिजर्ट्स। तो दे आर बेसिकली फाउंड इन द माउंटेनियस एरियाज और यू कैन से दैट हिली एरियाज एंड द मैकेनिज्म ऑफ एरिड इरोजन कंसिस्ट ऑफ वेदरिंग डिफ्लेशन एब्रेशन एंड एट्रिशन। तो वेदरिंग डिफ्लेशन एब्रेशन और एट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। फाइनली तो लैंड फॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन इन डिजर्ट्स एरियाज, अगर लैंड फॉर्म्स की बात करें जो विंड इरोजन के कारण बनती हैं, तो ये आपके इसमें पहला आ जाएगा रॉक पेडिस्टल्स एंड मशरूम रॉक्स। ये तो सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट जो विंड का होता है अगेंस्ट एनी प्रोजेक्टिंग रॉक मास, कोई प्रोजेक्टिंग रॉक मास है सपोज दैट ये एक रॉक है, तो सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट अगर विंड का इसमें होगा तो हम देखेंगे कि जो सॉफ्टर लेयर्स हैं रॉक की वो इरोड हो जाएंगी और इररेगुलर एज का फॉर्मेशन होगा ऑन द अल्टरनेट बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, राइट। इस तरह से जो ग्रूव्स और हॉलोज दे आर कटिंग इन द रॉक सर्फेसेस कार्विंग देम इनटू फैंटास्टिक एंड यू कैन से दैट ग्रोटेस्क्यू लुकिंग पिलर्स कॉल्ड रॉक पेडिस्टल्स। तो मतलब कुछ इस तरह का होगा, अगर सपोज दैट इनिशियल ये रॉक हमारा ऐसा है तो सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट हुआ तो जो सॉफ्टर रॉक है वो इनको कट करेगा और हार्ड रॉक्स अपनी जगह पर रहेंगी, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा कि पहले हार्ड रॉक दिखेंगी फिर सॉफ्ट रॉक जो कट डीपर कट होंगी अंदर की तरफ, फिर हार्ड रॉक दिखेंगी फिर सॉफ्ट रॉक। तो इस तरीके का जो आपको लैंडस्केप दिखाई देगा वो आपका कहलाएगा रॉक पेडिस्टल। उसके बाद फ्रेंड इसमें जो जियोजन है दीज आर टेबुलर मासेस विच हैव अ लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक्स लिंग बीनीथ द सर्फेस ऑफ मोर रेजिस्टेंट रॉक। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लाइक यार्डेंग्स मेसाज बटीज इंसेलबर्ग। तो यार्डेंग्स क्या होते हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर टू द रिजेस एंड फरोज लैंडस्केप ऑफ ज्यूजन एंड दे आर स्टीप साइडेड यार्डेंग्स, राइट। तो इनके जो साइड्स होते हैं वो स्टीप साइडेड होते हैं। मेसाज एंड बटीज की बात करें तो दीज आर द फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास विद वेरिंग रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर एंड वेरी स्टीप साइडेड, राइट। तो टॉप लेयर हॉरिजॉन्टल होता है और वेरी स्टीप साइडेड होते हैं, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम मेसाज या बटीज कहते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है फ्रेंड्स, दे आर आइसोलेटेड रेजिड्यूअल हिल्स राइजिंग अब्रप्टली फ्रॉम द लेवल ग्राउंड एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वेरी स्टीप स्लोप्स एंड रादर राउंडेड टॉप्स। दे आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड जेंसिस एंड दे आर प्रोबेबली द रिलिक्स ऑफ ओरिजिनल प्लेटू विच हैज़ बीन ऑलमोस्ट इंटायरली इरोडेड अवे। उसके बाद कुछ और यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं जैसे कि वेंटिफैक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर पेबल्स फेस्टेड बाय सैंड ब्लास्टिंग, दे आर शेप्ड एंड थॉरली पॉलिश्ड बाय विंड एब्रेशन टू शेप्स रिजेंबलिंग ब्राजीलियन जो नट होता है उसकी शेप्स के ये कुछ दिखाई देते हैं। डिफ्लेशन हॉलोज क्या होते हैं, विंड लोअर्स द ग्राउंड बाय ब्लोइंग अवे द अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स एंड स्मॉल डिप्रेशंस में फॉर्म। नाउ सिमिलर माइनर फॉल्टिंग कैन ऑल्सो इनिशिएटेड डिप्रेशंस एंड द एडिंग एक्शन ऑफ द अनकमिंग विंड्स विल वियर ऑफ द वीकर रॉक्स अंटिल द वाटर टेबल इज रीच्ड। नाउ द वाटर देन स्वीप्स आउट, तो जब वाटर टेबल तक वो उसे इरोड कर देगा तो वाटर वहाँ से बाहर निकलेगा एंड ओएसिस या स्वयं फॉर्मेशन करेगा एक डिजर्ट आप कह सकते हो डिफ्लेशन हॉलो या डिप्रेशन में। उसी तरह अभी हम लोगों ने देखा कि विंड इरोजन के कारण ये जो लैंडफॉर्म्स बन रहे थे, अगर डिजर्ट्स एरिया में विंड डिपोजिशन के कारण जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनकी बात करें तो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है आपका ड्यून्स और एक है आपके लॉसेस, ठीक है, शेफ या लॉसेस। तो अगर हम ड्यून्स की बात करें तो हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सैंड एंड शेप्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विंड। तो डिपोजिशन का जो फीचर होता है विंड का, वहाँ से सैंड एक जगह से कलेक्ट करके अपने साथ उड़ाता हुआ विंड दूसरी जगह ले जाता है और दूसरी जगह पे जाकर के एक्युमुलेट करता है। तो इस तरह से जो सैंड ड्यून क्रिएट होता है, ठीक है, ये आपका एक सैंड ड्यून बन जाता है एंड दे मे बी एक्टिव और लाइव ड्यून कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव।
तो कुछ ऐसे ड्यून्स भी होते हैं जो एक्टिव होते हैं, मतलब ये अब यहाँ पर बना हुआ है तो फिर एक दोबारा से विंड के एक्शन के द्वारा, डिपोजिशन फीचर के द्वारा, ये ड्यून यहाँ से फिर जो विंड होता है वो सैंड उठाएगा और दूसरे ये डिपोजिट करेगा, तो उसे हम लाइव या एक्टिव ड्यून बोलेंगे। और कुछ ड्यून्स ऐसे भी होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, दैट मीन्स दे आर रूटेड विद द वेजिटेशन एंड द ड्यून्स आर ऑलमोस्ट ड्यून्स आर मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड इन अर्ग डिजर्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ड्यून्स होते हैं दे आर मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड इन अर्ग डिजर्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं। एंड देर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कॉमन ड्यून्स, एक होता है आपका बार्चन्स, तो दे आर सेसेंट शेप्ड या आप कह सकते हैं मून शेप्ड ड्यून्स विच अकर इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, जो आपको अलग से भी देखने को मिल सकता है या ग्रुप्स में भी देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका होता है जो बार्चन्स होते हैं। एंड दे आर लाइव ड्यून्स विच एडवांस्ड स्टीडली बिफोर विंड्स दैट कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रिवेलिंग डायरेक्शन। उसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की बात करें तो दे आर लॉन्ग नैरो रिजेस ऑफ सैंड्स, इस तरह का कुछ होता है और यहाँ पर इस तरह से सैंड इकट्ठा हो जाता है, ओवर 100 माइल्स लॉन्ग लिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं दे आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। उसी तरह अगर लोएसिस की बात करें तो द फाइन डस्ट बियॉन्ड द डिजर्ट लिमिट इज डिपॉजिटेड ऑन द नेबरिंग लैंड्स एज लोएसिस एंड इट इज़ अ येलो फ्रेबल मटेरियल एंड इट इज़ यूजली वेरी फर्टाइल, राइट। फ्रेंड्स हमारा लास्ट इसमें जो फीचर है वो हम देखेंगे लाइमस्टोन या चाक लैंडफॉर्म के, तो दे आर सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन डिराइव्ड फ्रॉम द कोरल्स एंड द शेल्स ऑफ सेल्स इन द सी। इन इट्स प्योर स्टेट लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट, बट वेयर मैग्नीशियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इट इज ऑल्सो नोन एज डोलोमाइट, ठीक है। प्योर फॉर्म में जो लाइमस्टोन होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन जब उसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं डोलोमाइट। तो अगर चाक की बात करें फ्रेंड्स तो इट इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, white and rather soft limestone is soluble in water with which carbon dioxide form the air forms a weak acid jo ki hota hai aapka carbonic acid। a region with a large stretch of limestone therefore possesses a very distinct type of topography and which is nothing but a karst region। to isme kuch characteristic features hain karst region ke, ye dekh lete hain। they have bleak landscape occasionally broken by precipitous slope and there is a general absence of surface drainage, kyunki hum log ko pata hai karst region mein jo सरफेस ड्रेनेज होता है वो कुछ समय के लिए इनविजिबल हो जाता है और कुछ देर बाद जब उसे जो परमिएबल रॉक होते हैं वो मिलते हैं तो वापस से इमर्ज होता है। सो एज मोस्ट ऑफ द सरफेस वाटर हैज़ गोन अंडरग्राउंड एंड द सरफेस वैली आर देयरफॉर ड्राई, जो सरफेस वैली होती है वो इसकी ड्राई होती है। व्हेन द वाटर पेनिट्रेट्स टू द बेस ऑफ द लाइमस्टोन एंड मीट्स नॉन पोरस रॉक इट री इमर्जेस ऑन द सर्फेस एज अ स्प्रिंग और रिसर्जेंस, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। एंड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर अंडरग्राउंड फीचर्स दैट अडोन्स द लाइमस्टोन केव्स आर स्टैलेक्टाइट या स्टैलगमाइट या फिर पिलर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रॉक फीचर्स होते हैं लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन केव्स में जो अंडरग्राउंड फीचर्स हैं वो तीन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका आ जाता है स्टैलेक्टाइट, एक आपका होता है स्टैलगमाइट और एक होता है आपका पिलर। तो स्टैलेक्टाइट क्या होते हैं फ्रेंड्स, दे आर शार्प स्लेंडर डाउनवर्ड ग्रोइंग पिनाकल्स दैट हैंग फ्रॉम द केव रूफ्स, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर लेना आप, हैंग हो गया यहाँ पर, दे हैंग फ्रॉम द केव रूफ्स। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये हमारा कास्ट रीजन है, ये हमारा केव है, ठीक है, तो यहाँ से जो ऊपर से रूफ से नीचे की तरफ लटक रहा होगा इसको हम बोलेंगे स्टैलेक्टाइट। उसी तरह ये जो रूफ से नीचे की तरफ लटक रहा है, अगर यहाँ से सपोज दैट यहाँ से आप कह सकते हो ड्रॉप है यहाँ पर गिर रही है और नीचे होते होते डिपॉजिट होते होते अगर एक फ्लोर पे सीधा आप वर्टिकल आप एक कह लो लैंडस्केप डेवलप होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टैगमाइट, ठीक है। तो ये होता है स्टैगटाइट जो रूफ से लटकता है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं स्टैगमाइट। और जब एक इंटेंस डिपोजिशन के कारण जब ये स्टैगमाइट या स्टैगटाइट आपस में मिल जाते हैं तो एक पिलर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका पिलर फॉर्मेशन। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आइए देख लेते हैं। स्टैलेक्टाइट आर द शार्प सिलेंडर डाउनवर्ड ग्रोइंग पिनाकल्स दैट हैंग फ्रॉम द रेफ केव रूफ्स। एज मॉइस्चर ड्रिप फ्रॉम द रूफ्स इट ट्रिकल डाउन द स्टैलेक्टाइट एंड द ड्रॉप टू द फ्लोर वेयर कैल्शियम डिपॉजिटेड टू फॉर्म स्टैगमाइट, राइट। नाउ दे आर शॉर्टर फैटर एंड मोर राउंडेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद जो स्टैलेक्टाइट होते हैं हैंगिंग फ्रॉम द रूफ इवन एक्चुअली ज्वाइंट टू द स्टैगमाइट ग्रोइंग फ्रॉम द फ्लोर टू फॉर्म अ पिलर, तो जो मैंने आपको फिगर में अभी बनाकर यहाँ पर दिखाया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमारा जी सी लियोंग का पूरा लेक्चर सीरीज़ खत्म होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जी सी लियोंग के वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।